दिल्ली में ही मेट्रो की चर्चा बरसों तक चली, लेकिन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयासों से। देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे अपने आप में देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। दिल्ली के अंदर आज जितनी गाड़ियां पहुंचती हैं, उसमें से अब लगभग 30% की कमी आ जाएगी। यानी समय की भी बचत, प्रदूषण भी कम, ईंधन भी कम, और यही सबका साथ सबका विकास का रास्ता है। इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर से दिल्ली के लोगों का समय बचेगा, गाड़ियों का ईंधन बचेगा, ये नागरिकों के जेब में पैसे बचने वाले हैं। दिल्ली के भीतर ही एक मिनी सिटी होगा। एक ही कैंपस में कन्वेंशन हॉल, एक्सपो हॉल, मीटिंग हॉल, होटल, मार्केट, दफ्तर, रिक्रिएशन, ऐसी तमाम सुविधाएं एक ही स्थान पर विकसित होने वाली है। ये सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र। दिल्ली के गरीब परिवारों को पक्का घर देने का जो अभियान शुरू हुआ है, वो यहाँ के हजारों गरीब परिवारों के सपने को पूरा करेगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हम दिल्ली को देश की राजधानी के अनुरूप एक शानदार सुविधा संपन्न शहर बनाएं। फर्राटा भरेगी दिल्ली, जाम से निपटने की तैयारी, अब तीसरे रिंग रोड की बारी। राजधानी दिल्ली में जाम और प्रदूषण से निपटने का मेगा प्लान जमीन पर दिखने लगा है। तीसरे रिंग रोड को जमीन पर उतारने का काम आधे से ज्यादा हो चुका है। इस रोड के अंदर दिल्ली में गाजीपुर टेकड़ी जो है, उसका 20 लाख टन जो कूड़ा है वो हम इसमें डाल रहे हैं। जो अभी 5 प्रोजेक्ट बचे हैं, उसमें हम निश्चित रूप से दिल्ली का कूड़ा पूरा डालने की कोशिश करके दिल्ली को एक कूड़े की जो टेकड़ियां पहाड़ बने हुए हैं, उससे मुक्ति दिलाने के भी काम करेंगे।